अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। ख्वाब में प्यास लगना, पानी पीना या इसी तरीके पर प्यास लग रही हो पानी ना पीना या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये और इससे रिलेटेड 7 अहम ख्वाबों की ताबीरें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। पहला ख्वाब है ख्वाब में प्यास लगने पर पानी पीना। किसी ने ख्वाब देखा कि उसको ख्वाब में प्यास लग रही है और उसने पानी पी लिया, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला गुनाहों में मुब्तला होगा, लेकिन उसको जल्दी ही अपनी गुनाहों की गलाजत और गंदगी का एहसास होगा और जल्दी ही उसको फिर तौबा की तौफीक हो जाएगी। जिन गुनाहों में वो लगा हुआ है ये जो गुनाह उससे हो रहे होंगे, जल्दी उन गुनाह को छोड़ करके वो तौबा कर लेगा और उन गुनाह से बाज आ जाएगा। नंबर 2, प्यास लगने पर भी पानी न पीना। किसी ने ख्वाब में देखा कि उसको प्यास लग रही है लेकिन उसने पानी नहीं पिया है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला गम और परेशानियों और तकलीफ़ों से निजात पाएगा, अल्लाह ताला इसको परेशानियों से छुटकारा नसीब करेगा। नंबर 3, प्यास के वक्त पानी न मिलना। किसी ने देखा कि ख्वाब में उसको प्यास लग रही है लेकिन पीने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि कोई खुशी ख्वाब देखने वाले को पहुँचेगी, खुशी इसको हासिल होगी या इसी तरीके पर इसका निकाह होगा। दोनों बातों में से कोई एक बात इसके साथ होगी इंशाल्लाह। नंबर 4, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। किसी ने ख्वाब में देखा कि उसको शिद्दत की प्यास लग रही है ख्वाब में, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले के दीन के कामों में, दीनी कामों में खलल वाक़े होगा, यानी शिद्दत की प्यास लगना ये ख्वाब में ये अच्छा नहीं है। से इस तरफ इशारा होता है कि इसके जो दीनी मामूलात या दीनी काम हैं उसमें डिस्टर्ब होगा, ये इस दखल अंदाजी होगी या खलल वाक़े होगा। नंबर 5, पानी के अलावा कोई और लिक्विड और मशरूब पीना। पानी के अलावा अगर कोई कुछ और पीते हुए देखे तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला इल्म हासिल करेगा और सही रहनुमाई इसकी की जाएगी, यानी इल्म हासिल करेगा और सीधी राह की जानिब लोग इसकी रहनुमाई करेंगे, सीधी राह पर ये चलेगा। नंबर 6, बारिश का पानी पीना। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो बारिश का पानी पी रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि जितनी मकदार में ख्वाब ने बारिश का पानी पिया है उतनी ही रहमतें और बरकतें अल्लाह की जानिब से इसके लिए नाजिल होंगी और उतना ही अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों से फैज़याब होगा, फ़ायदा उठाएगा। नंबर 7, चलता हुआ पानी पीना। किसी ने अपने आप को चलता हुआ जारी पानी पीते हुए देखा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला जिस काम का इरादा रखता है या जो करना जिस चीज़ के करने के लिए इसका कोई प्लान है, वो अपने प्लान और अपने इरादे और अजाइम में कामयाब होगा और अंजाम को पहुंचेगा और अपने मकासिद में इसको कामयाबी नसीब होगी। दोस्तों, ये हमने पानी पीने प्यास लगने से रिलेटेड 7 मुख्तलिफ तरीक़े के ख्वाबों की ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं, फिर फ्राइडे का वेट करें। इंशाल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान कर दी जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।